छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, 391 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। वन विभाग ने वन्य जीवों के 6 तस्करों को पकड़ा, तेंदुए और बाघ की खाल बरामद। प्रदेश भर में आज लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, रायपुर जिले में 7000 मामलों की सुनवाई। और कल वन क्षेत्रों में 25 लाख सीड बॉल बोएगा वन विभाग, 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज भी रोपे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 391 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 5 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिन भर में कोरोना के 39,204 नमूनों की जाँच हुई। इसी एक दिन में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 391 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान हुई। 24 घंटे में सबसे अधिक मरीज बीजापुर और सुकमा जिलों में पाए गए हैं। जुलाई महीने के शुरुआती 9 दिनों में ही प्रदेश में 2,946 नए मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही अब तक संक्रमण में आए लोगों की संख्या बढ़कर 9,97,426 हो गई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मामलों में मामूली कमी आई है। शुक्रवार को 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई है, वहीं 45,159 लोग ठीक हुए हैं। इन 24 घंटों में कोरोना से पीड़ित 1,206 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम जारी हैं। भिलाई स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में मरीजों की सतत ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 1,000 घन मीटर क्षमता वाले वेपोराइजर लगाया गया है। इसके जरिए अस्पताल के 1,000 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। अस्पताल के तकनीकी सहायक राजकुमार बताते हैं कि यह वेपोराइजर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदल देता है। और पहले जो है 100 NMQ का था, क्यूबिक 100 क्यूबिक मीटर का था, अभी 1,000 NMQ का दो है, दो लगे हुए हैं। पहले जो है वो करीबन 300 मरीजों को ही सप्लाई कर पाते थे, और कोरोना काल में 700-800 मरीज जो अचानक आ गए, जिसकी वजह से वेपोराइजर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो फिर ये इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर हम साहब को बोले और ये दो वेपोराइजर 1,000 NMQ का दो ठोक लगवा दिए हैं, जिससे आप 1,000 मरीज तक को सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। वहीं संयंत्र के महाप्रबंधक बलवीर सिंह ने बताया कि इस वेपोराइजर के लग जाने से आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। अभी पहले स्मॉल कैपेसिटी का वेपोराइजर था और पेशेंट्स उस हिसाब से बढ़ रहे थे, तो उतना प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके बजाय अभी ये जब लिंडे ने उसको हमको सजेस्ट किया कि और हायर कैपेसिटी का वेपोराइजर लगाना है, तो जब ये रिप्लेस कर दिया है तब उन्होंने ये उसको टेस्ट वगैरह कमीशनिंग करके अभी हमको दे दिया। अभी हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का डिमांड है पेशेंट्स का और हॉस्पिटल का मीट कर पाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इससे पहले वेपोराइजर की क्षमता केवल 100 घन मीटर की थी, जरूरत के समय उससे 3 गुना अधिक काम लिया जा रहा था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सक्रिय वन्य प्राणी तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वन अफसरों ने 6 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से तेंदुए की 4 और बाघ की 1 खाल बरामद की है। तस्करों के पास से वन्य जीवों के नाखून और दांत भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्करों को
ओडिशा के भवानीपट्टनम ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसके बाद से ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जबलपुर कार्यालय तस्करी की घटनाओं पर नजर रखे हुए था। इनपुट के आधार पर शुक्रवार को ब्यूरो सहित छत्तीसगढ़ और ओडिशा वन विभाग की संयुक्त टीम ने कालाहांडी जिले में कार्रवाई की और वन्य जीव तस्करों को धर दबोचा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक आयुष जैन ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें तेंदुए की चार और बाघ की एक खाल बरामद हुई है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के अंदर कार्रवाई किया गया है वन विभाग द्वारा, जिसके अंदर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गरियाबंद वनमंडल, उड़ीसा के खरियार डिस्ट्रिक्ट तथा नॉर्थ कालाहांडी, साउथ कालाहांडी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। ये ऑपरेशन PCCF हॉफ और PCCF वाइल्ड लाइफ के मार्गदर्शन में किया गया है। तो क्या मिला है इसमें, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? इसके अंदर हमें चार लेपर्ड स्किन मिले हैं और एक लुक अलाइक टाइगर स्किन मिला है और इसके अंदर चार बाइक जब्त किए गए हैं और ये बहुत बड़ी सफलता है। वन अफसरों ने बताया कि तस्करों को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी व्यापारी बनकर उन इलाकों में पहुंचे थे। उन्होंने वन्य जीवों की खाल का सौदा किया और पुष्ट होने पर छापा मारकर आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई अभी भी जारी है। रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित 5000 मामलों सहित कुल 7000 लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य तय किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि न्यायिक मामलों की वजह से परेशान हो रहे लोगों को राहत दी जाए। कोविड महामारी के दौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और इस नेशनल लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं, हर घर परिवार में किसी न किसी तरह की परेशानी में है, ऐसे में इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को थोड़ी सी राहत दिला सकें। निश्चित तौर पर जब किसी का कानूनी मामला खत्म होता है तो उसके लिए एक राहत की बात होती है, इसीलिए इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामा के माध्यम से बहुत सारे मामलों का निराकरण होगा। जैसा कि आप, ये दौर ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश अपने घर से नहीं आ पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके मामले में राजीनामा हो, तो संचार क्रांति के इस दौर में हमने ये किया है कि जो ऐसे लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुंच सकें, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर के जरिए या हमारे स्टाफ के जरिए हम किसी भी प्रकार से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम उनके घर से ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने घर बैठे इस मामले में राजीनामा कर सकते हैं। साथ ही हमने बहुत सारे मामलों में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी पक्षकारों की उपस्थिति ली है और उनका राजीनामा करवाया है। तो आज की इस नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिले में लगभग 5000 ऐसे मामले लिए गए हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, 2000 से ज्यादा प्रीलिटिगेशन मामले हैं, इस तरह से लगभग 7000 मामलों में आज निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान वर्षों से लंबित कई मामलों में राजीनामे की कोशिश हुई। यहां करीब 5000 मामले निपटारे के लिए रखे गए थे। रायगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने बताया कि इस लोक अदालत में उन छोटे छोटे मामलों को रखा गया है जो कई सालों से अदालतों में लंबित हैं। दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर उनके मामले को सुलझाने की पहल की जा रही है। पूरा 100% सक्सेस रहेगा, क्योंकि आपने महसूस किया होगा आज की भीड़ को देख करके कि जनता भी चाहती है कि उनके छोटे मोटे मुकदमे लोक अदालत में निपट जाएं। और अभी हम लोग जिस मुकदमे की चर्चा कर रहे हैं ये मुकदमा भी वैसे ही है और दोनों पक्ष अभी सहमत हो रहे हैं। अगर ये दोनों पार्टी अगर सहमत हो जाती है तो ये राजीनामा के लिए एक फिट केस होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए प्रदेश भर में करीब 40000 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों में राजीनामा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बरसात शुरू होने के एक महीने बाद वन विभाग इमारती और फलदार पेड़ों के बीच लगाने का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। प्रदेश में कल एक साथ ही 25 लाख सीड बॉल और फलदार पौधों के 50000 किलो बीज की बुआई होगी।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसके सफल आयोजन के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के वनों और उनसे लगे क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेल, सीताफल, करौंदा तथा मुनगा फलदार पौधों के प्रजातियों के बीच की बुआई अथवा छिड़काव होगा। वहीं डिबलिंग से सीड बॉल की बुआई की जाएगी। वन विभाग बरसात के मौसम में हर साल इस तरह बीजों की बुआई करता है ताकि वन क्षेत्रों में नए पौधे आ सके। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में इस समय वजन त्योहार मनाया जा रहा है। 7 जुलाई से शुरू हुए इस त्योहार में बच्चों के पोषण स्तर का आकलन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपसचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज दुर्ग जिले के कोपेडी, खोफरा, चंगोरी और बोरित गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर बच्चों और महिलाओं के पोषण की स्थिति का जायजा लिया। वहीं केंद्र में आई महिलाओं से भी चर्चा की। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि वजन त्योहार से साल दर साल पोषण की अद्यतन रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे आगामी कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। राज्य में वर्तमान में जब एनएफएचएस 4 हुआ था 2015 में, उस समय कुपोषण की दर 37% से अधिक थी। उसके बाद वजन त्यौहार 2012 से लगातार हर प्रतिवर्ष हम करते हैं। जो एनएफएचएस के आंकड़े होते हैं वो हर 5 साल में हमको मिलते हैं, पर वजन त्यौहार के आंकड़े जो है वो हर साल दर साल मिलते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर कौन से बच्चे कुपोषण से बाहर निकल चुके हैं और कौन से बच्चे वर्तमान में कुपोषण में हैं, इसका अद्यतन स्थिति हमें पता चलती है। महिला एवं बाल विकास विभाग 16 जुलाई तक यह त्यौहार मनाएगा। इस दौरान बच्चों की पोषण स्तर की जांच के साथ पालकों को भी खान पान संबंधी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी बीमा का फायदा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों को बीमित कराने के लिए विभाग ने 1 जुलाई से एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को योजना की जानकारी देकर बीमा कराया जा रहा है। यह योजना 15 जुलाई तक चलनी है। कोरबा के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी TR दिनकर ने बताया कि फल सब्जी लगाने वाले किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे कोरबा जिले में भी छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है। यह 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें हमारे उद्यानिकी विभाग में जो खेती करने वाले टमाटर, केला, बैंगन, मिर्चा, अदरक, पपीता, अमरूद की जो खेती कर रहे हैं वो किसान बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो बीमित राशि है उसका 5% देकर बीमा ले सकते हैं। इसमें दोनों किसान, चाहे ऋणी हो अथवा अऋणी हो, दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा में हमारे 25 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित है, जहां से मौसम आधारित यदि फसल किसी तरह से क्षति होती है तो उसकी जानकारी, सूचनाएं मिल जाती है। वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष कोरबा जिले की 62 हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों को बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान इस योजना का लाभ बीमित राशि का 5% देकर ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 391 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। वन विभाग ने वन्य जीवों के 6 तस्करों को पकड़ा। तेंदुए और बाघ की खाल बरामद। प्रदेश भर में आज लगी राष्ट्रीय लोक अदालत। रायपुर जिले में 7,000 मामलों की सुनवाई। और कल वन क्षेत्रों में 25 लाख सीड बॉल बोएगा वन विभाग। 50,000 किलोग्राम फलदार पौधों के बीज भी रोपे जाएंगे।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।